Hello everyone, I am Dipanshi and I welcome you to my channel. I hope that you all are doing really well. So guys, ये है मेरी मिनी रिव्यू वीडियो. तो आज इस वीडियो में मैं आपके सामने ट्राई करूँगी एक फेशियल किट फ्रॉम द ब्रांड नेचर्स. तो मेरे पास है उनकी वाइटनिंग पर्ल फेशियल किट. तो इस फेशियल को यूज़ करने के बाद योर स्किन विल ग्लो लाइक अ पर्ल. तो ये है हमारी 5-step फेशियल जिसमें आपको मिले हैं 5 mini tubes और इसे आप 3 बार यूज़ कर सकते हैं. तो हमारा फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट्री स्टेप है डीटेन थेरेपी. तो इस मिनी बॉटल में आपके पास है थोड़ा सा प्रोडक्ट विच इज़ बेसिकली डीटेन. तो डीटेन हम यूज़ करते हैं जब भी हमारी स्किन धूप की वजह से टैंड हो जाती है, थोड़ी ब्राउनिश हो जाती है. तो उस टैनिंग को रिमूव करने के लिए वी यूज़ डीटेन. तो वही मैं अब ये अप्लाई कर रही हूँ ऑन टू माई फुल फेस. आप इसको ब्रश या फिंगर टिप्स की हेल्प से अप्लाई कर सकते हैं और 10 मिनट्स के बाद आपको इसको वॉश कर लेना है. ऑन टू माई नेक्स्ट स्टेप. तो यहाँ से हमारे स्टेप स्टार्ट हो चुके हैं. तो ये है फर्स्ट स्टेप विच इज़ टू क्लीन योर फेस यूजिंग अ क्लिनजिंग क्रीम. तो ये क्रीम बहुत ही ज़्यादा शाइनी है. जो कि फेशियल किट का नाम है कि पर्ल, तो वैसे ही शाइनी ये क्रीम है. आप देख रहे हो कि इसमें कितने शाइनी पार्टिकल्स हैं. एंड इसको आपको अच्छे से अपने फेस पर मसाज करना है ताकि जितनी भी इम्प्योरिटीज़ आपके फेस से सब चली जाएँ एंड एक सॉफ्टनेस आ जाए आपकी स्किन में. तो 5 मिनट तक मैंने मसाज किया, उसके बाद मैं अपनी चलती हूँ नेक्स्ट स्टेप की तरफ जो कि है एक स्क्रब. तो इस छोटी सी टब में आपको मिला है स्क्रब जिसे कि आप अपने फेस पर अच्छे से मसाज करके जितना भी आपके पोर्स के अंदर डस्ट ट्रैप्ड है, पोल्यूशन ट्रैप्ड है, उस सब को आप रिमूव कर सकते हो. आप जब भी स्क्रब कर रहे हो आपको लाइट हैंड यूज़ करने हैं और अच्छे से अपने फेस पर स्क्रब करना है. जैसे मैं स्क्रब कर रही थी तो मैंने नोटिस किया कि इसके जो पार्टिकल्स हैं आर वेरी माइल्ड, बहुत ही जेंटली आपके फेस को क्लीन कर लेंगे. तो थोड़ी देर स्क्रब करने के बाद आई वॉश्ड माय फेस और मैंने इसे पैड ड्राई कर लिया. सो नेक्स्ट स्टेप के लिए आई एम यूजिंग दिस मसाज क्रीम. एंड गाइस ट्रस्ट मी, ये क्रीम मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आई. इसका टेक्स्चर बहुत ही ज़्यादा स्मूथ है, बहुत ईजीली आपके फेस पर ग्लाइड करेगा. और अगर आप इसको 5 मिनट मसाज करोगे उसके बाद वॉश कर लोगे अपना फेस, तब आपको पता चलेगा कि दिस क्रीम इज़ सो गुड. बहुत अच्छे से इसने आपके स्किन को सॉफ्ट कर दिया, एकदम कुशनी सॉफ्ट बना दिया इसने मेरी स्किन को. सो आई जनरली लव दिस क्रीम. तो इस स्टेप के बाद आई वॉज फीलिंग सो रिलैक्स एंड काम. मेरी स्किन बहुत ही ज़्यादा काम फील कर रही थी. तो अब क्लिनजिंग हो गई, स्क्रबिंग हो गई, मसाजिंग हो गई. तो नेक्स्ट स्टेप इन्होंने कहा है कि हमें अपनी स्किन को पॉलिश करना है. So for that they have provided us with a very good face pack. So इसे भी आप अपने फिंगर टिप्स या ब्रश की हेल्प से अप्लाई कर लेते हैं. तो इसकी जो कंसिस्टेंसी थी इज़ क्वाइट थिक. तो थोड़ी सी मेरे को दिक्कत हुई इसको अप्लाई करने में, बट अगर आप इसमें हल्का सा रोज़ वाटर मिक्स कर लोगे ना तो ये अच्छे से ग्लाइड कर लेगा ऑन टू योर स्किन. और पूरे फेस पर लगाने के बाद मैंने इसे धो लिया जब ये सूख गया था. तो जब ये सूख जाए आपको इसे तभी धोना है. एंड दिस वॉज द लास्ट स्टेप. तो आप देख सकते हो कि मेरी स्किन कितनी अच्छी लग रही है इसके बाद. सो गाइज, ओवरऑल मुझे ये फेशियल किट काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी. बहुत ईजी है इसे यूज़ करना और बहुत क्विकली आपको इसके रिजल्ट्स भी दिखेंगे. 3 बार आप इसे यूज़ कर सकते हैं. एंड ऑल्सो दिस इज़ वेरी मच अफोर्डेबल. तो जैसे कि वेडिंग सीजन आ चुका है एंड यू डू नीड समथिंग जिससे कि आपकी स्किन को एक ग्लो मिले, सो उसके लिए दिस प्रोडक्ट इज़ A1. दिस इज़ अमेजिंग, यू कैन गो फॉर इट. थैंक यू.